बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च है। कल जो जेल चौरंगी के पुल के नीचे सब्सिडाइज फ्रूट के स्टॉल पे हुआ, बड़ा अफसोसनाक था मंजर वो। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो इलाके की पुलिस है उसको ऑन बोर्ड ले लिया गया है। पुलिस की मोबाइल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, ये जवान हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह सिक्योरिटी मेजर्स को जो है वो मेक श्योर करेंगे ताकि दोबारा जो है ये इंतशार फैलाने वाले जो लोग जिन्होंने जो है वो यहाँ पे कल एक तरीके से हमला किया और लोगों को जो है वो डिसिप्लिन को बर्बाद किया, दोबारा जो है उस तरह ना कर सकें। हम लोग इंशाल्लाह, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, पीछे नहीं हटेंगे, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। काफ़ी सारे लोग आज आके ये बता रहे थे कि हम लोग जो है ना परेशान हो गए थे कि अब हमारे घर के अंदर जो सफ़ेद पोश लोग हैं, क्या अब हमारे घर के अंदर फ्रूट कैसे आएगा अगर ये स्टॉल बंद हो गया। लेकिन आज भी जो है ना लोग नज़्म व ज़ब्त के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? सलाम। कल जो हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल तो बहुत बुरा हुआ है, लोग काफ़ी जो थे ऐसे यहाँ के नीचे कोई और के थे, वो लोग बहुत गन कर रहे थे, यहाँ पर धक्के दे दे के जो है ना सबों को जो है ना भगाया है। सही, सही। मैं तो चला गया था। तो अंदर आ जाए, आपको दिखाते हैं, तैयारी जो है ना दोबारा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी दोबारा से चल रही है। वो लोग शायद ये समझे थे जिन्होंने ये काम किया या करवाया कि शायद ये सिलसिला बंद हो जाएगा और लोगों को फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग का सिलसिला जारी है। कितने का फ्रूट आ गया ये देखिए, 1,33,000 रुपये का फ्रूट भी यहाँ पे आ गया है और इंशाल्लाह मोर देन 500 फैमिलीज आज भी जो है फ्रूट अपने घर पे लेके जाएंगी। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जिस तरह हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे आएँ, कॉन्ट्रीब्यूट करें। और अगर आप इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये अकाउंट डिटेल्स हैं, इसके अंदर आप जो है वो अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि वो सफ़ेदपोश लोग जो अपने घर पर महंगाई की वजह से फ्रूट लेके नहीं जा सकते, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को नहीं खिला सकते, वो यहाँ से लेके जाएँ और अपनी फैमिली को सर्व करें जिस तरह हम लोग अपने घर में खाते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि हम सेफ एंड साउंड रहें और पब्लिक की खिदमत इस तरह करते रहें। जज़ाकअल्लाह।